तो मित्रों हम लोग बात करते हैं अपने अगले मेमोरी पे जिसका नाम है कैच मेमोरी। क्या नाम है उसका दोस्तों? CACHE, कैच मेमोरी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हमारे लिए ये नया तो जरूर है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण और इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं मेमोरी में अक्सर, कैच से और वर्चुअल से, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट नेम होता है दोस्तों, ठीक है। तो जो हमारा कैच मेमोरी है, सबसे बड़ी बात है ये प्राइमरी मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है दोस्तों? कैच मेमोरी जो हमारा है वो प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो आपको आप लोग देख चुके होंगे, अगर आप लोग मेमोरी पूरा पढ़े होंगे तो, और नहीं पढ़े हैं तो जल्दी से पढ़ लीजिए, क्योंकि तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहला ये क्या है, कैच मेमोरी हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक है। और इसका जो यूज होता है ये प्रोसेसर के साथ होता है, यानी यूज्ड विथ प्रोसेसर। किसके साथ होता है? यूज्ड प्रोसेसर के साथ यूज होता है दोस्तों, ठीक है। और तीसरा यानी मतलब ये जो हमारी कैच मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी है। दूसरा क्या हुआ, यूज्ड विद प्रोसेसर, यानी मतलब ये हुआ कि ये मेमोरी है हमेशा प्रोसेसर से अटैच होती है और प्रोसेसर के साथ ही काम करती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है, ये फास्टर देन अदर मेमोरी, यानी ये जो मेमोरी होती है ये मेमोरी सारी मेमोरियों से फास्टर होती है। यानी मतलब क्या हुआ कि सबसे तेज मेमोरी काम करने वाले कंप्यूटर में उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? कैच मेमोरी दोस्तों, ठीक है। तो और ये जो है ये क्या करता है, ये प्रोसेसर और रैम के बीच में, बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर जो काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर जो काम करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैच मेमोरी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारे इसके बीच में काम करता है उसको हम लोग कैच मेमोरी कहते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा कैच मेमोरी होता है ये बहुत खतरनाक होता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले कंप्यूटर हमारा कैच मेमोरी को ही ढूंढता है। यानी कि कोई भी मैटर अगर हम लोग कंप्यूटर में सेव करके रखे हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर हमारा क्या करेगा, कैच मेमोरी को ढूंढेगा। उसके बाद अगर कैच मेमोरी हमारा काम नहीं करता है, मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कैच मेमोरी प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो वो तुरंत किसको ढूंढता है, रैम को, ठीक है। यही कारण है कि कैच मेमोरी जो होती है बहुत खतरनाक होती है, सबसे पहले और सबसे फास्टर होती है दोस्तों। और जो इसका सीपीयू होता है वो कैसे काम करता है, हम आपको एक छोटा सा चित्र के माध्यम से बता देते हैं। जो देखिए मेन मेमोरी होती है, ठीक है, जो मेन मेमोरी होती है, मैंने इसके पहले वीडियो में बताया मेन मेमोरी क्या होता है, उससे हमारी स्टार्ट होती है, ठीक है। और ये क्या करता है प्रोसेस, ये करता है L1, क्या करता है L1 यानी लेवल 1, और दूसरा होता है L2, और तीसरा क्या होता है L3, यानी तीन लेवल में ये काम करता है, ठीक है, तीन लेवल में ये काम करता है। और इसके बाद हमारा क्या होता है, विंड माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम लोग यूज करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर। और हम लोग कैच मेमोरी किसको कहते हैं, ये जो हमारा लेबल यूज होता है इसी को हम लोग कैच मेमोरी कहते हैं दोस्तों। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, मजा आ गया देखिए। और इस वीडियो को अगर आप आखिरी तक देख रहे हैं तो कभी कैच मेमोरी में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। तो सबसे पहले हमारा कैच मेमोरी में क्या है, सबसे पहले जो हमारा कैच मेमोरी ये प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। दूसरा यूज्ड विथ प्रोसेसर, यानी हमारे प्रोसेसर के साथ मेमोरी यूज होती है। फास्टर देन अदर मेमोरी, सबसे फास्ट होती है मेमोरी, सबसे जो जितने मेमोरी हमारी कंप्यूटर में यूज होती है उससे फास्ट सबसे मेमोरी यही हमारी कैच मेमोरी होती है। बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर ही हमारा ये कैच मेमोरी काम करता है। और हाँ, मेन मेमोरी से तीन लेवल जाने के बाद जो माइक्रो प्रोसेसर में काम करता है इसी को हम लोग कैच मेमोरी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग वीडियो देखें तो आप लोगों को इसके पहले वाला भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में आज इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।